भाजपा पार्टी की ओर से पिंजौर के व्हाइट कैसल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में भावपूर्ण श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अम्बाला सांसद रतनलाल कटारिया, पंचकूला उपायुक्त मुकुल कुमार, कालका विधायक लतिका शर्मा, विधायक लतिका शर्मा के पति सुभाष शर्मा, उनके पुत्र आदित्य शर्मा सनी, पंचकूला ADS सहित भारी संख्या में शहर भर के गणमान्य लोग मौजूद हुए। सभी ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी ने जन्म लिया था, ऐसे हमारे माननीय अटल जी, जिनको पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व शोकमग्न है और श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में हमने कालका विधानसभा में आज सबकी तरफ से, पूरे कालका वासियों की तरफ से भाई हमारे अटल जी को, जो कि हमारे सबके दिलों में बसे हुए, ऐसे आज एक भजन संध्या के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। और हम सभी जो राष्ट्र के निर्माता हमारे, ऐसे अटल जी सदैव ही हमारा जन जन याद रखेगा। शत शत नमन है ऐसी हस्ती को जो हमें छोड़कर चले गए हैं। युगों युगों में ऐसे नेता दोबारा नहीं आ पाते हैं और पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर सभी दिल से रो रहे हैं, याद कर रहे हैं। यही देखने के लिए नज़ारा था कि दो दिन मीडिया में आपने देखा होगा किस तरह जनता टूट टूट कर रो रही थी, साथ साथ चल रही थी। बड़ा दुख की बात है ये, और हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। हर यूथ को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है और उनकी जो नीतियाँ थी उस पर मोदी जी और हम हमेशा साथ लग के काम करते रहेंगे। फिर उनको दिल से तहे दिल से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए जब अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के सांसद रतनलाल कटारिया ओ मेरे अटल भारत की शान हो तुम गीत गाते हुए फूट फूट कर रोने लगे, जिस कारण पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन को लेकर सभी की आंखें नम थी। सांसद रतनलाल कटारिया लगातार गीत गाते रोते रहे। उनकी ये अटल भावना देखकर सभी की आंखें नम हो गई थी। पूरा हॉल पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए भरा हुआ था। श्रद्धांजलि करीब 3 घंटों तक चली। इस दौरान यहां पर अलग अलग संस्थाओं, गांवों व शहर से भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। श्रद्धांजलि देने वालों ने भी अपने अपने विचार प्रकट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि अटल के जाने से एक युग का अंत हो गया है। इस संबंध में सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए और सच्ची श्रद्धांजलि दी। ऐसी शख्सियत थी उनकी, सबने खाना बंद कर दिया, क्योंकि अटल जी जो हैं वो प्रधानमंत्री थे, ये बात ठीक है, लेकिन जो शख्सियत, उनका बोलने का ढंग, वो जो कहते थे लोग उनको सुनना चाहते थे, और जब वो बोलते थे तो सभी पार्टी उनके लोग राजनीति को भुला के उनके विचारों को सुनते थे, उनकी सोच में और उनके कहे हुए शब्दों में बहुत अर्थ होता था। सभी अटल जी के स्वर्गवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित जल समूह में एक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा पिंजौर और कालका विधानसभा इस समय शोकमय है। भगवान अटल जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। अटल जी का मैंने 1970 में जन्मदिन लिखा था,
मेरी माता जी ने बोला था अटल जी का जन्मदिन लिख रहे हो, इसी प्रकार से इनके जन्मदिन के अनुसार आप इनके व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसे जन्मदिन की शुभकामना देते रहो। अटल जी के हमेशा जन्मदिन पर मैं शुभकामना देता रहता था। धन्यवाद। अटल जी हमारे देश की महान विभूति और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री सिद्ध हुए हैं, तो इसलिए मैं और मेरी पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। अटल जी एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, उनका पूरे देश में उनके निधन से सबको मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही एक हमारी पार्टी के नीव थी वो हमारी पार्टी की, और आज ही सारा देश उनके निधन के बाद बिल्कुल शोक युक्त है।